कहता हैप्पी एनिवर्सरी। अरे जल गए जल गए। लूटो लूटो। अब गिफ्ट दिखाते हैं आपको जो दादा ने भाभी को दिया। खूब तगड़े से बारिश हुई, मतलब यार देख सकते हो आप लोग इतना किस तरीके से गिरा हुआ है, मतलब ऐसी कुछ खास आंधी भी नहीं थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। फिलहाल आज ना काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग वगैरह जो बना रहा हूँ मैं, मतलब काफ़ी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मतलब इतना गैप कर दिया मैं बीच में, थोड़ी समस्याएं थी, मैं बता दूंगा आगे आपको सब कुछ आने वाले समय में जो भी है डिस्टर्बेंस चल रही। जो फिलहाल आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप आ जा रही है बार बार, तो थोड़ा मौसम सही लग रहा है उसे देखने में ना। और वैसे तो क्वांटिटी धूप निकली थी, बहुत दिक्कतें होती हैं। फिलहाल अभी सुबह के सब पूरे 9 बज रहे हैं, ऐसा कुछ सीन है सामने का, याद दे सकते हो बढ़िया सा, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब आपको ना बड़े दिनों के बाद दिखा रहा हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है। तो भाई आज है 24 मई और आज है दादा और भाभी की सालगिरह, जो कि आज शाम को सेलिब्रेट की जाएगी बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से तो नहीं, मतलब सेलिब्रेट की जाएगी तरीके से, थोड़ा मोड़ा मतलब जो भी हो पाएगा कर दिया जाएगा। किट्टू के मम्मी पापा की सालगिरह है, मतलब ये बताना है आपको, और इस ब्लॉग में आप ये देखेंगे। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं शॉप के लिए, जैसा कि रोज़ ही निकलते हैं, तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में और लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, मतलब कर लेना यार, थोड़ी रीच डाउन हो गई चैनल के ना, और जैसे ब्लॉग निकालें थोड़ा सही हो जाएगा। वो तो निकल चुके हैं भाई घर से, ऊपर चल रहा है काम और धूप तगड़ी सी आ गई फिर से। हरदोई में एक जादूगर आए हुए हैं कुमार जय करके, तो उनका जो शो वगैरह चल रहा है प्रेक्षागृह में चल रहा है, एक दो दिन में हो सकता है मैं आपको उनका ब्लॉग दिखाऊं, जाऊंगा वहाँ पे देखने के लिए, बस कोई साथ ही मिल जाए ढंग का, बात हो चुकी है फिलहाल मेरी, तो देखते हैं। फिलहाल आज जा रहे हैं बड़े दिन के बाद। और भाई अपने यहाँ मेरे टैकेज में ना केरला स्टोरी लग गई है, किसी को देखनी देख सकता जाके वहाँ पे, टिकट सस्ता मिलेगा आपको, टैक्स फ्री मूवी कर दी गई थी तो आपको टिकट सस्ता मिलेगा, जाइए आराम से देखिए और सीखिए उससे कुछ, और जागरूक करिए अपने समाज को। धन्यवाद, ऑटो आ जाए, चलते हैं फटाक से। मंदिर में कर लिए दर्शन और काफ़ी अच्छा लगा, और अभी फिलहाल जा रहे हैं केक बुक करा देते हैं शाम के प्रोग्राम के लिए। तो ये लेटेस्ट की शॉप है यहाँ पे गली में सामने, वहीं जा रहे हैं अभी, यहीं से करा देंगे तो सही रहेगा, मतलब ये काफ़ी पुराने अच्छे हैं, अच्छे केक देते हैं ना, है छोटो अच्छे केक देते हैं ना, केक अच्छे देते हैं ये जो लेटेस्ट वाले केक अच्छे देते हैं ना। हाँ ठीक ठीक, धन्यवाद। एक पाउंड का केक चाहिए शाम को, किस टाइम ले लें शाम को, 7 बजे आ जाएँ, ठीक। एक चॉकलेट दे देना 20 वाले। चलो भाई 7 बजे लेते हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं शॉप में, यहाँ पे हर तरह के गिफ्ट मिल जाते हैं, जब इतनी पुरानी शॉप भी है ना ये। भाई जो जय कुमार हैं इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट तो खूब ढंग से किया है, मतलब हर खंभे पे इनका पोस्टर लगा हुआ है, ऑटो वगैरह पे भी इनने खूब चिपका रखा है बढ़िया से, और बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी हैं। वाह भाई वाह, पैसे वाले जादूगर हैं, बस देखना ये है कि जादूगर सुनैना की तरह ना हो ये जो नुमाइश में आई थी। ये देखो हर जगह लगी हुई है इसकी, ये देखो यहाँ पे लगी है और यहाँ पे तो सबसे बड़ी, वाह भैया वाह, इतनी बड़ी बड़ी लगी, देखो जादूगर जय कुमार सुबह 10 बजे। ये वाला मंदिर भाई काफ़ी अच्छा है शिव जी का, ओम नमः शिवाय। चलो फिलहाल पहुँच गए और आपको मिलते हैं शाम को, चलो बाय बाय। 7 hours later। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, एंड शाम हो चुकी भाई, हम शॉप से आ गए थे एंड अभी ना सारी नीचे तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं, मेहमान वगैरह सब कुछ आ गए हैं, पूरा घर भरा हुआ है, मैं आपको देर में दिखाऊंगा। एंड अभी केक वगैरह लेने आना पड़ेगा और बाकी सामान वगैरह लेना पड़ेगा, तो वो सब भी मैनेज करना है, तो अभी धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, खाना बन रहा है इसी ने। तो चलो भाई शाम हो चुकी है, मतलब रात हो चुकी है, और जा रहे हैं फिलहाल अभी केक लेने, अकेले जा रहे हैं, मोहित पे तो डीजे बजा रहे हैं, वो तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया जा रहा है जो भी है। 8 बज गए यहाँ पे, नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये देखो भाई पहुँच गए हैं लेटेस्ट लाइब्रेरी एंड गिफ्ट सेंटर, यहाँ से हमने सुबह बुक करा दिया था, फिलहाल अब इसको पिक कर लेने का टाइम आ गया है, चलते हैं। ये गाइस रहा केक, देख लो इस तरीके से, एंड यार फ़ोन में ना बैटरी भी कम है, तो फिलहाल अभी आ गए हैं घर पे, और यहाँ पे देखो दादा दादा हैप्पी एनिवर्सरी। अरे कैमरे बोल रहे हैं, सुबह सब बोल रहे हैं, देखें क्या गिफ्ट है, देखें देखें, ये भाई ऐसी लाई हैं गिफ्ट पापा के लिए अपने, देखें भैया ये भैया, चलो इसको खोलते हैं। नहीं अरे खोल लें, क्या दिक्कत है, चलो। A few inches later. ये देखो भाई इतना प्यारा केक, मैंने 2 चार में कैंडल लगा दिए हैं, बाकी इधर बैठते हैं, किट्टू यहाँ बैठी, किट्टू टॉफी खा रही है।
पंखा बंद करो, माचिस जलाओ फटाक से। सामने आओ सब लोग, पीछे खड़े होताओ। ये देखो इतने लोग हैं लेकिन सब शर्माए रहे हैं। काकरो जाए ये बुआ है हमारी। किट्टू अपने टॉफी खाए मस्त हैं। जल गया भैया, जल गया जल गया जल गया। ये देखिए ऐसे बस गाइस सिंपल हो रहा है, कोई गुब्बारे वगैरह नहीं, कोई नो सेलिब्रेशन, कोई बम पटाखा नहीं। ये देखो ये चलो काटो, पहले फू करो फू। हाँ बोलो बोलो बोलो, कसके कसके कसके। अरे जल गए जल गए, अरे जल गए जल गए जल गए। ये लूटो लूटो, अरे बस 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 बस। हाँ खिला खिला, अरे ऐसे पहले खा लो ये दादा। ये वेरी गुड। और तू फिर से तक जल गए अपने सब, और ही गुड जॉब, जादू हो गया। जादू वाली है, जादू वाली। देखा भी बुझा दी गई थी, फिर जल गई मोमबत्ती, नहीं बुझेंगी वो। चलो भैया आशीर्वाद लिया जा रहा है गाइस यहाँ पे। ये देखो किट्टू क्या हो गया, क्या हो गया, ले ले केक तुम्हें नहीं मिलेगा। तो गाइस केक काटती हुई ऐसे यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा माल वाला आ गया है सामने, देख सकते हैं। अरे हथड़ा हथड़ा माल दिखाने दे, हटता वो। देखो गाइस माल आ गया वहाँ पे छोटा मोटा सा। ये देखो छोटी प्लेटें आ गई, भाभी हैप्पी नर्सरी। भाभी सुनी ना रही, देखो सुनी ना रही, भाभी हैप्पी नर्सरी। ये थैंक यू बोल रही। ये ऐसी लाई हैं अपना गिफ्ट, अब जो सब कुछ के कट गया था। अभी देखो ये देखो इसे खोलो, देखो देखें क्या है इसमें। अब तो खोल सकते हो, अब तो खोलो खोलो खोलो। किट्टू किट्टू अपने मस्त घूम रहे हैं। ये देखो तो भाई एनिवर्सरी हो गई कंप्लीट, केक वगैरह कट चुका है। लव अब गिफ्ट दिखाते हैं आपको जो दादा ने, अब गिफ्ट दिखाते हैं आपको जो दादा ने भाभी को दिया। ला जल्दी लाओ। ये देखो निकल रहा है गले से। ये है भाई सोने की चेन दादा आज लाए थे, और ये काफ़ी अच्छी लग रही देखने में। देखो ए गिफ्ट खुल रहा है देखो वहाँ पे। हाँ खोलो खोलो, इतने लोग वेट कर रहे हैं गिफ्ट के खुलने का। देखो सबसे ज़्यादा किट्टू वेट कर रहे हैं चम्मच लेके, जैसे कुछ खेबे करो हेमा। अरे छींक दिया, एक और छींक दिया। ये देखो बेचारे दो लोग यहाँ पे, बाकी सब लोग वहाँ पे। ये कढ़िया किसको गिफ्ट में मिली, ये कढ़िया किसे गिफ्ट में मिली है। हमने कहा था कुछ खाने वाला होगा इसमें, चॉकलेट वाला, हम समझ गए थे पहले ही। ये देखो गाइस ये क्या निकला इसमें से, इतनी सारी चॉकलेट वाली टॉफी। ओ किट्टू खाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह हो चुकी है, कल शाम को उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि वो सब निपट गया था, खाना पीना बस बचा था समझो, वो भी हो ही गया था। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है गाइस, इतनी ज़्यादा आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। पूरी रोड यहाँ पे भरी हुई है, पूरा नाला भरा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो। कहाँ से मुझे इधर घूम के निकलना पड़ रहा है उधर के लिए, मतलब यार खूब तगड़े से बारिश हुई, मतलब यार देख सकते हो आप लोग। अब गर्मी भी तो इतनी हो रही थी ना, बारिश तो फिर होगी जब ऐसा वातावरण हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आंधी आई कि नहीं आई मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बारिश तो रात में हुई थी बहुत तगड़े से। मौसम ठीक है वैसे आज का, धूप आ जा रही है बार बार, तो थोड़ा सही बना रहता है, मतलब उतनी गर्मी नहीं तरीके से देखा जाए तो। भाई यही था बस आज का व्लॉग, और सोचा घर पे एनिवर्सरी है तो उसका व्लॉग बना देते हैं। तो ये था, और जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो ये भाई जो आंधी पानी आया है ना, इसमें देखो इस तरीके से कुछ पेड़ वगैरह गिरे हैं यहाँ पे, पूरे सामने जो पुलिस क्लब के बाहर पेड़ लगा था वो वाला, देखना किस तरीके से गिरा हुआ है। मतलब ऐसी कुछ खास आंधी भी नहीं थी, बट ये पेड़ गिर गया। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ही है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना इसमें तो किसी की जान भी जा सकती थी। आप लोग देख लो मतलब कितनी बड़ी है डंगी, और मतलब किस तरीके से फट के गिर गया, बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये सब। देखो वो लोग कांटे ले रहे हैं।